अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सारे शरीयत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला की फजल शुक्र और करम से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो आज मैं आया हूँ फरहान के साथ पिंडी कैब के करीब गाँव में मगियाँ, थोड़ा काम के सिलसिले में इधर आए हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं और फरहान ये इधर खड़े हैं और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम अबरलूद है, साथ हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। तो अभी ये काम को करते हैं मुकम्मल और आपसे मिलते हैं काम मुकम्मल होने के बाद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया है और अभी हम रुके हैं रेस्ट एरिया में। तो इधर 10-15 मिनट ठहरते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं वापस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हम फारग हो गए हैं और अब देखते हैं कि चाय वगैरह पी ली जाए या आगे किसी होटल में इंशाल्लाह पी लेंगे। तो अभी मौसम भी हल्की हल्की धूप है, काफ़ी ठंडा मौसम है और ये मस्जिद बहुत ही प्यारी है, आपको दिखाते हैं। अंदर तो नहीं जा सकता, ये फूल पहनी है, ये बहुत ही प्यारी मस्जिद माशाल्लाह। तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से और आगे पिंडी कैब शहर में जाएंगे, वहाँ में थोड़ा काम है और फिर उधर से घर जाएंगे। तो हेलमेट पहनते हैं, मफरल करते हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, अल्लाह करे कि धूप निकल आए। और इधर हम 10-15 मिनट बैठे हैं तो अभी फिर निकलते हैं और पेट्रोल भी है तो पेट्रोल भी आगे से डलवा लेंगे। तो अभी फिर निकलते हैं। तो अभी हम आए हैं पिंडी कैब शहर में और चाय पीने लगे हैं। फरहान तो पी चुके हैं और मेरी ये अभी ठंडी हो रही है तो मैं पीने लगा हूँ। और इधर ये हीटर है तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी थोड़ा बेहतर हो गए हैं। तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर गाँव के लिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ गया हूँ, खैर खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो सूरज भी निकला है मगर उस तरह नहीं है, मतलब मौसम अब आलूद है। तो बाइक मैंने खड़ा किया उधर, तो हीरो है हमारा, हीरो पाक हीरो। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने घर, तो आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ करीब कब्रिस्तान है उधर, तो दुआ करते हैं। और मौसम आज अबरलूद ही है तो मैं कब्रिस्तान पहुँच चुका हूँ, तो अभी चलते हैं और दुआ करते हैं। और मैं इधर जब भी आता हूँ तो गुलारियाँ फिर रही होती हैं, तो आज भी फिर रही हैं। ये इधर है, ये बैठी है, तो उसको तंग नहीं करते। और इधर और भी होती हैं मगर आज एक ही नज़र आ रही है, वो जा रही ऊपर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ कर लिया है और अभी चलते हैं ऑफिस कर, बाइक का मोबाइल चेक करते हैं। महीना डेढ़ महीना हो गया मैंने मोबाइल नहीं चेंज करवाया, या शायद 2 महीने हो गए होंगे, अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी चलते हैं और मोबाइल चेक करते हैं। तो अभी चेक करते हैं मोबाइल, तो प्लस तो मुझे नहीं मिला, कैंची से चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कोई जुगाड़ लग गया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लास तो नहीं मिला, मैंने कहा तो कैंची पड़ी है, इसे ट्राई करते हैं। जे वो खुल गया, इसके को करते हैं इधर और इसको रखते हैं इधर, बहुत गंदा हो गया है इसे। इंशाल्लाह आज तो बारिश का मौसम बना हुआ है तो मेरे दिल तक एतवार तक इंशाल्लाह इसे रस करवाई जाए। तो एक महीने से पहले साफ भी करना पड़ेगा। हाँ है, नहीं इस तरह नहीं, उसको सीधा करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं बाइक को सीधा और उसके बाद साफ करते हैं और फिर चेक करते हैं मोबाइल। जी तो बाइक को मैंने डबल स्टैंड में लगा दिया है और डाकी भी मैंने उसको मार दिया है, अभी चेक करते हैं कि साफ हो गया। तो मुझे शक है कि करवाना पड़ेगा, चेक करते हैं क्या सूरत है। पहले उसको लाते हैं बाइक को थोड़ा सा और अभी करते हैं चेक, खुल जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोबारा से ये लेवल इतना ब्लैक है, थोड़ा सा ये काफ़ी ब्लैक है, देखें
तो चेंज करवाना पड़ेगा जी, बिल्कुल चेंज करवाना पड़ेगा। तरह के इसका मोबाइल चेंज करवा लीजिए, नहीं तो इंजन तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर धुआं मार जाएगा, फिर इसकी जो रिंग्स होती हैं इंजन की वो मसला आ जाएंगी, और दोबारा से नया इंजन करवाना पड़ेगा, फिर बहुत मसला बनेगा। तो बेहतर है कि इंशाल्लाह करवा लिया जाए। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है इसलिए मैं नहीं जा रहा, टाइम तो आज भी है मगर मैं आज मैं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह फिर कल जब प्राइस वापस आऊँगा तो कल शाम को इंशाल्लाह करवा लेंगे। अभी मैं आया हूँ फरहान के घर ये झाड़ू लेने, इसे हमारे मकामी ज़ुबान में सरूट कहते हैं, तो ये बहुत मजे के झाड़ू हैं, खास करके ये जो बीमार बंदे हैं ना जिनको मोहरा का मसला, इनके लिए बड़ा मुफीद है झाड़ू। तो अभी मैं ये लेने आया हूँ, और इधर ये बहुत प्यारे कबूतर बैठे हैं और आराम इधर चूना लगा रहे हैं डब्बे को, तो अभी ये लेके चलते हैं घर। तो इसका जो है पौधा वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, वो रास्ते में आता है उस रूट बोलते हैं। तो अभी अजान असर भी शुरू हो गई है, तो अभी इसे लेके चलते हैं घर जी। तो आपको जो ये वाला पौधा नज़र आ रहा है ना, तो इस पौधे से या ये करीब है, ये दिखा देते हैं छोटा है, इसके करीब जाते हैं, इससे झाड़ू बनते हैं। तो जो मैं झाड़ू लेके आया था वो इस पौधे को पहले इसकी कटाई करते हैं और फिर उसको साफ करके तो इससे झाड़ू बनते हैं, इससे झाड़ू बनते हैं ना। तो अभी हम लड़के खेल रहे हैं, और ये बरसाती नाला है गांव का, ये हाई स्कूल की दीवार है, तो ये इसे हमारी मकामी ज़ुबान में बोकर कहते हैं, ये सरूट की बोकर, इस पौधे का नाम हमारी मकामी ज़ुबान में सरूट है, तो इससे ये झाड़ू बनता है। अभी मैं आया हूँ कागज़ की फैक्ट्री में, और यहाँ पे ये सारे ब्लॉक तैयार हुई हैं, तो जब ये सूखेंगे तो कुछ ये इधर रखेंगे और कुछ उन्होंने स्टॉक की हुई हैं उधर, तो वहाँ पर रखेंगे, तो फिर जो कोई ऑर्डर आएगा तो वो आगे डिलीवर करेंगे। तो ये वहाँ पर ये ब्लॉक बनते हैं, ये रेत पड़ी है साथ, ये क्रश है और ये मशीनरी है जिससे ये ब्लॉक बनाते हैं। तो अभी इधर आए हैं और यहाँ पे उनके मकान भी बन रहे हैं, तो अभी लगाते हैं इनसे थोड़ी गपशप और फिर थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ घर। अभी मैं आया हूँ खेतों की तरफ चक्कर लगाने, और पहले दिन को तो धूप थी मगर अभी मौसम बरलूद हो गया है, तो इस तरफ से बादल आ गए हैं तो अभी बरलूद है, और दिन को तो मौसम अच्छा था मगर अभी थोड़ी ठंड हो गई है। तो मामूल के मुताबिक अभी मैं जा रहा हूँ साथ कब्रिस्तान में, ये एक कब्रिस्तान है और उधर मेरा घर है, तो घर करीब कब्रिस्तान है तो उधर मैं जाता हूँ हर रोज़। तो अभी चलते हैं उधर, और फिर सामने असर होगी, फिर नमाज असर अदा करेंगे, और फिर देखते हैं कि बाइक का मोबाइल चेंज करवाएं या नहीं, तो इस बारे में सोचेंगे, अगर दिल मान गया तो इंशाल्लाह आज करवा लेंगे, नहीं तो फिर वीकेंड पे हफ्ता बारह दिन करवा लेंगे, अभी भी वो कंफर्म नहीं है। और ये यहाँ पे खजूर का पौधा लगा है माशाल्लाह, एक इधर लगा है एक वो उधर लगा है, तो उसके साथ तो मतलब खजूरें पड़ती हैं वो पीली पीली होती हैं, और इधर इसके साथ अभी ये इंशाल्लाह बढ़ेगा तो तब होंगी, और बाकी उधर और कोई नहीं है खजूर का दरख्त जी। आज तो मैं मोबाइल चेंज नहीं करवा सका, फिर इंशाल्लाह जवज्जल वीकेंड पर हफ्ते वाले दिन शाम को या इतवार वाले दिन इंशाल्लाह करवा लेंगे। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला और आप सब के आमीन से रहो। तो अभी अजान मगरिब शुरू हो गई है, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।